व्यूअर्स आप देख रहे हैं फोन पर लाइव। आज डिवाइस रिव्यू में जिस डिवाइस के रिव्यू मैं करने जा रही हूँ वो है मेरे हाथ में Xiaomi की एक डिवाइस, एक नया मॉडल जो कि है Xiaomi Mi A2। एंड अगर मैं चाइनीज़ की वेरिएंट की बात करूँ जो कि चाइनीज़ में जो कि लॉन्च है वो है Xiaomi Mi 6X। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि Xiaomi Mi 5X था एंड Xiaomi Mi A1 था, और अब ये है Xiaomi Mi A2 जो कि अगर मैं पाकिस्तान और इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पे इस नाम से इसको पहचाना जाएगा। वेल व्यूअर्स, इस डिवाइस की कुछ डिटेल्स जो मैं आपको बताते चलूँ। ये एक मिड रेंज डिवाइस है, लेकिन मिड रेंज के साथ इसमें बहुत अच्छे स्पेक्स दिए गए हैं, फीचर वाइज बहुत अच्छे दिए गए हैं एंड इसका कैमरा काफ़ी अच्छा है। तो स्टे ट्यून्ड। Xiaomi Mi A2 का हम रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका वेट बताती चलूँ, क्योंकि काफ़ी स्लीक डिज़ाइन के साथ और काफ़ी स्टाइलिश डिज़ाइन के साथ दिया गया है एंड काफ़ी लाइट वेटेड है। 160 ग्राम इसका वेट है एंड फ्रंट अगर आप देख सकते हैं तो आपको फ्रंट ग्लास का दिया गया है विद एल्यूमिनियम बॉडी, और इसके साथ डुअल सिम का ऑप्शन इसमें मौजूद है लेकिन कार्ड स्लॉट मौजूद नहीं है। एंड इसके साथ ये 5.9 इंच डिवाइस है, वैसे डिस्प्ले अच्छा दिया है इसका, मिड रेंज है एंड डिस्प्ले बहुत अच्छा दिया गया है इसमें, और बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स एंड स्पेक्स हैं तो हम साथ साथ उसको बताते चलते हैं आपको। एंड इसके साथ इसकी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो वो 77.4% है एंड इसकी जो रेजोल्यूशन है वो है 1080x2160 पिक्सल के साथ, और इसका एस्पेक्ट रेशियो है 18:9। तो मिड रेंज में वही बात आ जाती है कि 18:9 नॉट बैड। और इसके साथ इसमें जो प्रोटेक्शन के लिए जो दिया गया है वो है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 दिया गया है। तो व्यूअर्स, ये थी इसकी कुछ डिटेल्स एंड इसके साथ अगर आप इसकी बैक साइड पे देख सकते हैं तो आपको यहाँ पे डुअल कैमरास नज़र आ रहे हैं। डुअल कैमरास में एक है 12 मेगापिक्सल का एंड एक है 20 मेगापिक्सल का, जो कि सेकेंडरी कैमरा दिया गया है वो जो लो लाइट में अगर आप अच्छी पिक्चर्स चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ किया जाएगा। एंड इसका फ्रंट कैमरा भी 20 मेगापिक्सल का दिया गया है, और इसके साथ इस डिवाइस की जो हाईलाइटेड फीचर है वो इसका कैमरा ही है। तो इसका कैमरा की भी डिटेल्स मैं आपको साथ साथ बताती चाहूँगी। एंड इसके जो कैमरा में जो लेंस यूज़ किए गए हैं वो है सोनी के लेंस यूज़ किए गए हैं, तो इसलिए भी इस कैमरे की जो क्वालिटी है वो अच्छी है। व्यूअर्स, इसकी कुछ और डिटेल्स की तरफ चलते हैं। लाइक जैसे कि मैंने आपको इसकी बॉडी एंड डिज़ाइन की बात की, स्लीक डिज़ाइन है, काफ़ी स्टाइलिश है एंड इसके साथ जो अगर मैं इसके लेआउट की बात करूं तो ये आईफोन एक्स की तरह भी लग रहा है एंड इसके साथ नोट जो Xiaomi का नोट 5 प्रो था उसकी तरह भी ये लग रहा है। वेल व्यूअर्स, अब इसकी OS की तरफ चलते हैं। इसमें है एंड्रॉयड 8.1 एंड इसके चिपसेट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें Qualcomm Snapdragon 660 का चिपसेट दिया गया है, जो कि प्रीमियम मिड रेंज डिवाइसेस के लिए काफ़ी अच्छा चिपसेट है, अच्छा परफॉर्म करती है इसके ऊपर। एंड इसमें जो CPU है वो है ऑक्टोकोर का एंड GPU इसमें एड्रीनो 512 है। कार्ड स्लॉट का मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें कार्ड स्लॉट मौजूद नहीं है, लेकिन इसकी जो इंटरनल मेमोरी है ये आपको 3 वेरिएंट्स में मिल सकता है। लाइक एक आपको 4GB ऑफ रैम के साथ मिल सकता है, और एक आपको 6GB ऑफ रैम के साथ मिल सकता है विद 32GB ऑफ रोम, 64GB एंड 128GB ऑफ रोम के साथ ये डिवाइस आपको मिल सकती है। तो डिपेंड आपको करता है कि आप कौन सा वेरियंट इसका यूज़ करें। तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट है कि इस प्राइस रेंज में आपको ऑप्शन मिल रहे हैं डिफरेंट। व्यूअर्स, इसके कैमरे की डिटेल्स की तरफ चलते हैं। तो इसका जो मैंने आपको रियर कैमरा बताया है वो है इसका एक 12 मेगापिक्सल है, एक 20 मेगापिक्सल है। तो जो सेकेंडरी कैमरा इसका फ्रंट जो कैमरा है वो है 20 मेगापिक्सल एंड इसमें जो अपर्चर है वो f1.7 एंड रियर में भी और फ्रंट कैमरा में भी f1.7 अपर्चर के साथ ये डिवाइस दी गई है। एंड इसकी डिटेल्स मैं आपको दिखा भी दूँ और थोड़ा सा बताती भी चलूँ कि इसमें सबसे फ्रंट में आपको नज़र आ रहा है शॉर्ट वीडियो का फ़ोटो पोर्ट्रेट मोड है एंड इसके साथ स्क्वायर पैनोरामा मैनुअल पे आप जाके अपने हिसाब से इसको सेटिंग कर सकते हैं। तो इसका पोर्ट्रेट मोड मैंने चेक किया है, मुझे पसंद आया है, नॉट बैड। क्योंकि अक्सर आपको आजकल जो पोर्ट्रेट मोड मिल रहे हैं उसमें ज़्यादा क्लैरिटी शो नहीं होती, तो इसके इस कैमरे की जो क्लैरिटी है वो काफ़ी अच्छी है। तो हमने कुछ पिक्चर्स ली हैं वो भी मैं आपको दिखाती चलूँ। एंड इसके साथ यह आपको मिल रहे हैं कुछ डिफरेंट मूड्स लाइक नॉर्मल, नेचर, स्काई ब्लू, ब्लश, स्टोरी, चाइल्डहुड, इमोशन, इस तरह के डिफरेंट आपको मिल रहे हैं। एंड इसमें ऊपर आपको HDR का भी ऑप्शन मिल रहा है। इसके साथ अगर आप नॉर्मल मोड में अपनी फ़ोटो पिक्चर लेना चाहते हैं वो भी है। इसमें एक तो ब्यूटीफाई का है, जैसे कि ब्यूटी मोड हो जाता है वो है, और इसमें ग्रुप सेल्फी फीचर भी मौजूद है क्योंकि इसका कैमरा जो है वो ज़्यादा दिया गया है 20 मेगापिक्सल। तो एंड इसके साथ फ्रंट कैमरे की भी मैं बात कर रही हूँ तो उसमें रियर कैमरे में भी आप ग्रुप सेल्फी ईजिली ले सकते हैं। एंड इसका टाइमर है, टिल्ट शिफ्ट है, स्ट्रेटन है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जिसमें मैंने कुछ पिक्चर्स ली हैं जो आप देखेंगे। एंड सेटिंग्स में अगर मैं जाऊँ तो सेटिंग्स में आपको यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं। पिक्चर क्वालिटी आप अपनी मर्ज़ी का कर सकते हैं, हाई, स्टैंडर्ड, लो। एंड इसके साथ कंट्रास्ट, सैचुरेशन, शार्पनेस और इस तरह की डिफरेंट सेटिंग्स हैं जो कि आप इसको कर सकते हैं। और सेल्फी
सेल्फ़ी कैमरे की भी हम लोग डिटेल्स देखते हैं, तो सेल्फ़ी कैमरा भी मुझे इसका पसंद आया है, तो पोर्ट्रेट मोड इसका हम लोग ट्राई करते हैं। तो फ्रंट कैमरा में आपको कुछ सेटिंग्स मिल रही हैं, वही सेम सेटिंग्स है जो कि आपको रेयर कैमरे की सेटिंग्स में मिल रही थी। इसमें भी वही से शार्पनेस है, कंट्रास्ट है, लोएस्ट लोअर लो नॉर्मल हाई, और हायर से हायर आप रखना चाहते हैं तो वो ऑप्शन इसमें मौजूद हैं। व्यूअर्स के साथ साथ ये भी बता चलूँ कि इस डिवाइस में आपको USB टाइप सी दे मिल रहा है, एंड इसमें एक और मज़े की बात है कि इसमें फास्ट बैटरी चार्जिंग का ऑप्शन मौजूद है, एंड क्विक चार्ज 3.0 की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, एंड इसकी जो बैटरी है वो 3010 mAh की बैटरी है। व्यूअर्स वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस डिवाइस में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि बुरी हो, लाइक इसके प्राइस को देखते हुए, और जैसे कि मिड रेंज डिवाइस है तो इसके तमाम स्पेक्स काफ़ी अच्छे हैं, कैमरा, इसका डिस्प्ले, इसका CPU, इसमें जो चिपसेट है, एंड इसकी जो मेमोरी आपको 3 वेरियंट्स में मिल रही है, लेकिन इसकी बैटरी अगर 4000 mAh की होती तो काफ़ी बेहतर होता, हो सकता था, लेकिन चले एक चीज़ अगर ना भी हो तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर आपको एक फुल पैकेज मिल रहा है, जैसे कि इसका जो हाइलाइटिंग फीचर्स है वो उसका कैमरा है, कैमरे की वजह से ही लोग आजकल डिवाइसेस से परचेज़ करते हैं जो कि पिक्चर्स लवर होते हैं। तो ओवरऑल ये डिवाइस मुझे बहुत पसंद आई है, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो और अगर आपको ये डिवाइस भी पसंद आई है तो अपने कॉमेंट्स से मुझे ज़रूर आगाह कीजिए, सजेशन दीजिए, अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, नेक्स्ट टाइम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और एक नई डिवाइस के साथ आएंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।